तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप, चाहे अगले की बस्ती में तुम होगे मस्ती में क्यों नहीं। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक समथिंग अबाउट खौफनाक। हाँ बिल्कुल, क्रिंज को आत्महत्या करने पे मजबूर करते कैसे क्रिंजी शो के बारे में। कुंडली भाग की सौतेली चाची और कुमकुम भाग की पड़ोसन। यू आर राइट भाग्य लक्ष्मी। ये सब क्या चल रहा है, मतलब तीनों शो में अगर तुम डिफरेंस खोजने की कोशिश करोगे तो तीनों शो में उतना ही डिफरेंस है जितना टिकटॉक और रील्स में। अगर गलती से भी तुमने इस शो का एक एपिसोड भी देख लिया तो तुम्हारा रिएक्शन यही होगा। ये तो टट्टी है। नहीं यार, तीनों शो में एक मेजर डिफरेंस है। अरे कैसे ऐसे तुमने सोच लिया कि डिफरेंस नहीं होगा, तीनों का नाम मिलता जुलता तो उससे क्या भाई सेम होगा। कुंडली भाग और कुमकुम भाग से डिफरेंस इसमें यही है कि इसमें भाग्य पहले आ गया, भाग्य लक्ष्मी। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब जैसे ही मैंने इस शो का फर्स्ट एपिसोड प्ले किया, माय रिएक्शन भी लाइक भाई, मतलब एक यार छोटा सा हार्ट अटैक आ गया। इसका मतलब समझती है, क्योंकि यार इस शो की शुरुआत ही शादी से हो रही है। आई एम लाइक ओ हो चलो यार, मैं मानता हूँ इंडियन शोज का शादी करता धरता है। इसी वक्त करो मुझसे शादी। इंडियन शोज साजिश के बिना उतना ही अधूरा है जितना टिकटॉकर फिल्टर के बिना, मैं मानता हूँ यार। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन यार जी टीवी वालों ने इस शो में शादी को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। फर्स्ट एपिसोड ही साजिश से स्टार्ट, और फर्स्ट एपिसोड एक मिनट तक देखने के बाद मैं समझ गया कि ना रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं। तो मैंने देखा कि यार घर में सर दर्द की दवा नहीं थी, तो मैं मेडिकल शॉप गया और सर दर्द की 50 गोली पहले ही लाकर रख ली कि ना रिस्क लेना ही नहीं है। और सेकंड एपिसोड देखते देखते मैंने एक मस्त सी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली कि ना बहुत क्रिंज है। इस सब क्या देखना पड़ रहा है। तो अब अगर इस शो की स्टोरी की बात करें तो कसम से सच से भाई बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक तो मुझे टिकटॉकर्स के यूट्यूब ब्लॉग भी नहीं लगते। मतलब स्टोरी के नाम पे राइटर ने जो हगा है ना भाई, आए हाय हाय क्या बताऊं यार तुम्हें। मतलब तुम विश्वास नहीं करोगे कितना जहरीला स्टोरी के नाम पे इसके राइटर ने शो में हगा है। तो इस शो की स्टोरी यही है कि इनको जायदाद चाहिए, इनको शादी करनी है, इनको शादी करनी है, और इनको भी शादी करनी है, इनको भी शादी करनी है, और इनको शादी अपने बेटे की करवानी है, इनको भी अपने बेटे की शादी करवानी है, और इनको अपनी बेटी की शादी करवानी है। ये सब क्या चल रहा है। बंदी को इस बंदे से शादी करनी है, और इस बंदे को इस बंदी से शादी करनी है, लेकिन इस बंदी की शादी इस बंदे से हो जाती है। और पहले जी टीवी वाले इसकी शादी कराने की बहुत ही नाकाम कोशिश इससे करते हैं लेकिन नहीं होती है। फिर इसकी शादी कराने की कोशिश इससे होती है लेकिन नहीं होती है। फिर इससे शादी कराने की इससे कोशिश होती है, उसमें भी भाई एज यूजुअल जैसे तुम जान रहे हो इंडियन शोज है तो बहुत सारी रुकावटें दिक्कत परेशानी के बाद फाइनली हो जाती है। ये सब क्या चल रहा है। लेकिन अरे ना फिर तुम कंफ्यूज हो गए ना इंडियन शोज को लेकर, इतना कम इसमें बहुत सिर संडास दिखा तो। अब इस बंदे की शादी इससे हो जाती है लेकिन इसका लव अफेयर चल रहा होता है इस बंदी के साथ, वापस से फिर ये बंदा जाकर इस बंदी से शादी कर लेता है। फिर इस बंदी से शादी करने के बाद भी क्रिंज खत्म नहीं है यार। फिर इस बंदी से शादी करने के बाद वापस से इसका रोमांस इस बंदी से चलने लगता है, और इस बंदी की शादी ऑलरेडी फिक्स हुई रहती है इस बंदे से। तो अब शगुन हो गया जी। अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह कि इस पूरे शो में इस बंदे को रखा ही क्यों गया है। नहीं, सिर्फ शादी करने के लिए नहीं रखा गया यार, ये और भी काम करता है। शादी के साथ साथ ये बंदा हर एक एपिसोड में डिफरेंट टाइप ऑफ दिक्कत मुसीबत परेशानियों में पड़ता रहता है। और एज यूजुअली जैसा कि तुम जानते हो बचाएगा कौन, ऑब्वियसली यार लक्ष्मी दीदी। हाँ फिर चाहे इस बंदे को सांप काट ले या क्रोकोडाइल खा जाए या फिर ये आग में फंस जाए या इसके ऊपर गुंडों का अटैक हो जाए, मतलब इस बंदे का काम यही है, इधर उधर घूमना, दिक्कत मुसीबत परेशानियों में पड़ना, वापस ये बंदी बचाएगी, फिर वापस से जाकर शादी कर लेगा और लव रोमांस इसके साथ चलता रहेगा, फिर ये दिक्कत मुसीबत परेशानी में पड़ेगा, फिर ये बंदी बचा लेगी तो वापस से इसको लव रोमांस इसके साथ हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट एक हस्बैंड दो वाइफ। ओहो, कतई हमारे अरमान भाई से इंस्पिरेशन तो नहीं ले लिए यार ये लोग। मौत है, सफर के मजे लो। अरमान भाई तुम कॉपीराइट ले लो, बहुत मिसयूज हो रहा है तुम्हारी शक्तियों का। वेल डन। अब इंडियन शो है तो ये बंदा इतना अमीर होना इसका लाजमी है यार कि अम्बानी से अपनी चड्डियां धुलवा ले और बिल गेट्स से चाय बनवा ले। हाँ इस शो में भी ये बंदा उतना ही अमीर है। ये जो मेरे होटल में तोड़फोड़ की है उसकी कीमत जानते हो? 5 लाख। अलग की बात है, कभी काम धंधे पर जाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शादी करता रहता है। बात तो सही है। अब इस शो में अगर किसी को डॉक्टर की जरूरत हो या किसी को पुलिस की जरूरत हो तो अरे लक्ष्मी की इंसल्ट करवाएंगे क्या? वहां पर किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी दीदी की जरूरत है। किसी को खांसी आएगी कौन सही करेगा? लक्ष्मी दीदी। चलने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं, okay. नहीं, ऐसे कैसे कुछ नहीं, मैं ये पुरानी खांसी है, मैं काम करती हूं, मैं काढ़ा लेके आती हूं। किसी को सांप काट लेगा कौन ठीक करेगा? लक्ष्मी दीदी। किसी को पानी से बचाना हो कौन बचाएगा? ऑब्वियसली लक्ष्मी दीदी। किसी को आग से बचाना हो ऑब्वियसली कौन बचाएगा? लक्ष्मी दीदी। यार
किसी का हार्क हो जाएगा, साउथर्न इंडिया के इन्वेस्टिगेटर से भी भयंकर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? लक्ष्मी दीदी। किसी का एक्सीडेंट होने वाला रहेगा, कौन बचाएगा? ऑब्वियसली यार, लक्ष्मी दीदी। मुझे जो होना है हो जाए, ऋषि को कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरे हिसाब से लक्ष्मी दीदी को एक टोल फ्री नंबर जारी कर देना चाहिए। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कॉल ऑन दिस नंबर, यू विल गेट इंस्टेंट सॉल्यूशन विद 100% कैशबैक। अब हमारे एवेंजर की सौतेली चाची ने सिर्फ और सिर्फ मैरिज ब्यूरो, पुलिस, डॉक्टर और फायर ब्रिगेड वालों का जॉब नहीं खाया इस शो में, ना ना ना, दीदी ने कतई ऑटो ड्राइवर तक का जॉब खा रखा इस शो में। मैं निकली गड्डी लेके लॉजी की, और तुम विश्वास नहीं करोगे, ये सारे बावसरी सिर्फ और सिर्फ 100 एपिसोड के अंदर है। समझ रहे हो, ये आने वाले 1000 एपिसोड में ये शो कितना भयानक और भयभीत रूप लेने वाला है, तुम समझ सकते हो इससे। तो यार, अब ज्यादा रिस्क ना लेते हुए, और मेरी सरदर्द की दवा भी खत्म हो चुकी है, सो इसलिए ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट तुम कर ही दोगे, और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, सो वहां पर भी फॉलो कर लो, और मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाओ। कर दिया करो यार सजेस्ट, टॉपिक नहीं मिलती है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।